हेलो वेलकम्स माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल, जिस पर हम मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन वीडियो डालते रहते हैं। 12th तक के एजुकेशन और सभी सब्जेक्ट की वीडियो हम यहां पर डालते हैं। तो आज आपके सामने ये 10th सीरीज का, जो मैं 10th सीरीज इंग्लिश का 10th फ्री बैच यानी फ्री क्लास स्टार्ट किया हूँ, जिसमें कि 10th को हम 60 दिन मतलब 30 दिन में तो टेंस हम ख़त्म करेंगे एकदम तोड़ तोड़ करके। बाकी उसके जो यूजेज होते हैं, इट कैन कुड मॉडल एक्जिटरी जो भी होती हैं, मॉडल वर्ब्स जो होते हैं, मतलब टोटल यूज जो होते हैं ना, सभी आपका 60 दिन में ख़त्म करेंगे। ये बैच मैं स्टार्ट किया हूँ उन बच्चों के लिए जो एकदम कमज़ोर हैं उसके लिए। इसके साथ साथ मैं एक बैच और स्टार्ट किया हूँ जिसमें कि आपको मिलेगा स्पोकन इंग्लिश, जिसमें आपको स्पेलिंग को बनाना, स्पेलिंग को कैसे बोला जाए, लिखा जाए, फिर उसके बाद वर्ड को बनाने के बाद आप सेंटेंस को कैसे बनाएं और कैसे बोलें, वो क्लास भी आप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों क्लास आपकी एक एक क्लास क्रम वाइज आगे पीछे वीडियो डेली मिलती रहेंगी, बस हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो यहाँ पर आज हम इंग्लिश के बेसिक क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पिछली वीडियो कंटिन्यूस तक मैं दे चुका हूँ वीडियो, आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप वैसे भी समझते हैं, अगर नहीं समझते मैं बताता हूँ इसका पहचान, डायरेक्ट आपको कैसे पहचानना है। डायरेक्ट आपको पहचान लेगा कि इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब है होना चाहिए लास्ट में, जिससे कि मैं पता चलेगा कि ये चीज़ें प्रेजेंट में हैं। उसके साथ साथ वो बीत चुका हो कोई काम और होने के साथ, मतलब है, ये नहीं चुका था, था नहीं होना चाहिए, ध्यान देने वाली बात है, बीत गई हो बात, उसके साथ साथ वो बीती हो और है भी है उसके लास्ट में बताना चाहिए। जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके से बताएं तो हमारा हो जाएगा क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसके साथ हम सहायक क्रिया क्या यूज करेंगे, हैज और हैव, क्या यूज करेंगे, हैज और हैव। हैज और हैव कब यूज करेंगे, आपका एकवचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव यूज करेंगे। एकवचनकर्ता कौन सी होती हैं, जिसको हम नाम बोल सकते हैं, यही सी, इट, ये सभी चीज़ें आपके एक वचन होते हैं। बहुवचन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे या ये सारी कर्ताएँ, जो और भी बहुवचन में जो नाम बहुवचन हो, जो चीज़ें बहुत में आपको बताएं वो बहुवचन होती हैं, तो इनके साथ भी हम हैव का यूज़ करेंगे, बाकी आपकी संस्था हैज का यूज़ करना है। तो ये चीज़ बताओ, अब हमें एक बात और ध्यान रखना है, सहायक क्रिया हो गई हैज और हैव, मुख्य क्रिया हो गई क्या, मुख्य क्रिया हो गई आपका जो होता है उसका थर्ड फॉर्म, चाहे जो भी मुख्य क्रिया हो उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, मतलब तीसरी अवस्था पार्टिसिपल वाला आपको यूज करना है। तो यहाँ पर हम कोई बात लेंगे, जैसे कि मान लीजिए वह जा चुका है, वैसे भी एक बार टेंस का हम क्लास ख़त्म कर चुके हैं, पूरा क्लास ख़त्म कर चुके हैं, और इंग्लिश फॉर ऑल की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, पूरा टेंस ख़त्म किया एकदम अच्छे तरीके से, उसमें ख़त्म है, उस वीडियो को ज़रूर आप देख लेना, उसमें पूरी क्लास टेंस की ख़त्म है। अगर उससे ना समझ में आए तब इसको भी देख लेना, दोनों में आप देख लेंगे तो वैसे मिल जाएगा। एक बार मैं इंग्लिश पूरा ख़त्म कर चुका हूँ, तो वह जा चुका है, तो देखिए इसमें है प्रेजेंट हो गया, चुका का परफेक्ट हो गया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। है से क्या पता चलेगा, जब भी है लगा हो तो प्रेजेंट होगा, क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब आगे जो उसके उसके और बैक इधर पीछे होते हैं ये जो लगा हो उसको देखिए, चुका अगर लगा हो तो प्रेजेंट, ओ सॉरी, परफेक्ट टेंस होगा। तो वह जा चुका है, तो वह जा चुका है में अब क्या करेंगे कि हमें इसको सबसे पहले यूज हमें क्या करना होता है, रूल हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद प्लस वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आपका एक फार्मूले की तरह यूज करना है, मतलब पहले कर्ता लिखना है फिर क्रिया, फिर ना समझ में आए तो पहले पहले जो होता है उसकी अंग्रेजी, उसके बाद लास्ट में अंग्रेजी से करते हुए चले जाना। तो वह क्या होता है, वह का आपका होगा जा चुका है, तो मतलब ही होगा, चुकी है तो इसका मतलब सी होगा, तो ही के साथ ही यूज करेंगे हम इसका, ही है का कोई मतलब नहीं, है चुका है, चुकना का नहीं पता चलेगा, चुकना मतलब कुछ भी नहीं, क्या जा चुका मतलब क्या चुका है, जा चुका है, खा चुका है, मर चुका, क्या चुका, तो जा चुका, जाना का होता है क्या, गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, तो ही गॉन लिखने से पहले हमें क्या लगाना है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हमारा ही के साथ, ही क्या हुआ, एक वचन, एक वचन के साथ हैज यूज करेंगे, मतलब ही हैज गॉन। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, मैं नहीं लिख रहा था जिससे कि आपको कोई बार सोचने में लगे कि मैं ऐसे डायरेक्ट करूँ, तो इसीलिए मैं रुक गया वहाँ पर, जिससे कि आपको पता चले कि आखिर में क्या यूज करना, मतलब कर्ता के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया, याद करना, कर्ता के बाद सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया, जब से अफॉर्मेटिव सेंटेंस हो, बाकी हमेशा ध्यान में रखना है कि मुख्य क्रिया से पहले ही, मुख्य क्रिया के बाद हमें सहायक क्रिया यूज नहीं करना है, सहायक क्रिया हमें उसके पहले यूज करना है, चाहे कर्ता के बाद करें चाहे कर्ता के पहले करें, लेकिन मुख्य क्रिया के बाद नहीं होना चाहिए सहायक क्रिया, ये याद रखना। जैसे मैं करता हूँ, तुम विद्यालय में
नहीं पढ़ चुके हो, मान लीजिए ये है तो तुम का, देखिए इसमें निगेटिव है नहीं, अफर्मेटिव कब होता है मैंने पहचान बताया पिछली वीडियो जरूर देख लेना, आपको अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव सभी पहचान मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए नहीं लगा है तो निगेटिव, नहीं लगा हो तो निगेटिव 100% आपको याद होना चाहिए, नहीं लगा निगेटिव। तो मैं पहले यू की अंग्रेजी मतलब तुम की अंग्रेजी यू हो गया। अब पीछे देखते हैं क्या चुका है, पढ़ना चुका है, तो पढ़ना का मैं लिखने से पहले सहायक क्रिया लिखूँगा। सहायक क्रिया क्या होता है, हैव, हैज हैव यू के साथ हैव यूज होगा क्योंकि ये बहुवचन है, बहुवचन के साथ हैव, और हैव हैज के बाद ही नाट लगाना है जब निगेटिव हो। तो हैज हैव सहायक क्रिया होती है, नाट कब लगाना होता है जब सहायक क्रिया हो तो उसके बाद लगाएं। ना समझ में आए तो आप क्या कब लगाइएगा, मुख्य क्रिया से पहले नाट लगा दीजिए। आप सोच रहे हैं कि मैं हैव यूज किया, मैं मुख्य क्रिया लिखूंगा पढ़ना का, तो पढ़ना से पहले मैं नाट हमेशा मुख्य क्रिया से पहले नाट मैंने लगा दिया, हैव नाट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मुख्य क्रिया है पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड, तो रीड हो गया, तो रीड का आपका रीड राइट राइट, तो रीड ये आपका फॉर्म हो गया, इसका थर्ड फॉर्म यही स्पेलिंग होती है, उच्चारण में थोड़ा डिफरेंस होता है रीड राइट इस तरीके से, तो इसको आप स्पेलिंग यही होती है। रीड के बाद आपका क्या हो गया, उसके बाद हमारा क्या मे, मे का क्या होगा इन, और इन स्कूल, अब इन द स्कूल भी लगा सकते हैं और स्कूल भी लगा सकते हैं, अपने उद्देश्य के हिसाब से हम आर्टिकल यूज करेंगे। आर्टिकल दी द एन का यूज एक बार हम बता चुके हैं, ए एन और द का यूज आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो उसको समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम कोई लेते हैं कि क्या हुए, सो चुके हैं, ये हो गया प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्या हुए सो चुके हैं। तब इसकी अंग्रेजी देखिए कैसे, प्रश्नवाचक है इंट्रोगेटिव, जब इंट्रोगेटिव आए और कैसे शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, सबसे पहले हमें फिर सहायक क्रिया लाना पड़ेगा। सहायक क्रिया कैसे पता करेंगे, कर्ता से पता करेंगे। सहायक क्रिया हमेशा कैसे लगाना है, कर्ता से लगाना है, तो कर्ता क्या है इसमें, वे है, वे का कर्ता क्या होता है, दे होता है, तो मैं सबसे पहले दे देखूंगा और दे से पहले फिर लगाऊंगा क्या, दे के साथ यूज होगा बहुवचन हैव, तो मैं हैव पहले लिख दूंगा। हैव आखिर मैं पहले क्यों लिखा, हैव कब लिखा जाएगा, जब क्या से शुरू हो अंग्रेजी, जब हिंदी कभी भी जब आपके क्या से शुरू हो तब आपको सहायक क्रिया यूज करना है, जिसमें हैव सहायक क्रिया मैंने पहले यूज किया। उसके बाद कर्ता देखते हैं, कर्ता आपका हुए, हुए का मतलब दे, और उसके बाद चुकना में क्या है, सो चुके मतलब सोना, तो हैव दे स्लेप्ट, यस एल ई पी टी, और इंट्रोगेटिव हैव दे स्लेप्ट, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सो चुके। तो ये चीज़ हो गई आपकी, ये इसका ट्रांसलेशन। इसके बाद कोई और ट्रांसलेशन मैं करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सोन क्या सोहन बात कर चुका है। अब देखिए क्या से शुरू है, तो पहले सहायक क्रिया, सहायक क्रिया सोहन के साथ लगेगा हैज, तो मैं हैज यूज करूँगा, उसके बाद सोहन लिखूँगा, तो ये नाम का पहला अक्षर बड़े से सोहन है, सोहन। उसके बाद क्या है, बात कर चुकना, तो बात करने के लिए आपका डिस्कशन लिख सकते हैं, टॉक लिख सकते हैं, इस तरीके से जैसे भी बात का आपको लिख सकते, तो आप यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, डिस्कशन भी यूज कर सकते हैं या टॉक, टॉक्ड, ये है सोहन टॉक्ड, मतलब सोहन, क्या सोहन बात कर चुका है, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर इस तरीके भी से हो सकता है,
सीता अपने घर कब आ चुकी है, पूछा जा रहा है सीता अपने घर कब आ चुकी है। तो इस तरीके से कब की जब इंट्रोगेटिव हो और जब प्रश्नवाचक शब्द क्या ना हो और ये सारी चीज़ें हो, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे कब की। तो कब की अंग्रेजी हमारा वेन होगा पहले। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव कभी भी हो सहायक क्रियाकर्ता से पहले लिखेंगे। इंट्रोगेटिव है तो सहायक क्रिया हमें लिखना है, तो सीता के साथ हमें हैज लगाया जाएगा, तो हैज लिखेंगे। अब सीता लिखना है क्योंकि ये रूल है कि सहायक क्रिया हमें आगे लिखना है जब इंट्रोगेटिव है। तो सीता, अब सीता के बाद हम देखते हैं क्या चीज़ बच रहा है। आना का, आना का होगा क्या, कम। ठीक है, उसके बाद कम कहाँ, कम टू अपने घर, अपने सीता के लिए लगेगा हर हाउस, हर हाउस या हर होम। तो इस तरीके से इसको आपको करना है, याद करना है, बनाना है। ये मैं शॉर्ट छोटे छोटे मैं इसमें बता रहा हूँ और जल्द जल्द मैं बता रहा हूँ। पिछली जो ट्रांसलेशन की वीडियो उसको आप देख लीजिएगा तो समझ आ जाएगा। पिछली बहुत सारे टेंस के हम जो वीडियो बनाए हुए हैं, टेंस का पूरा ख़त्म कर चुके हैं, उसको देखिएगा। मैं अच्छे लेवल से बताया हूँ उसको, व्हाइट बोर्ड पर मैंने बताया, इसको मैं ब्लैक बोर्ड पर बता रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है बताने से, क्या मतलब। तो ये चीज़ें हैं, आपको एक बार ध्यान दे देना है कैसे याद करना है, मैं बताता हूँ एक बार फिर से रिवीजन। आपको ध्यान देना है, पहचानना कैसे है, चुका है चुकी है, क्योंकि सहायक क्रिया कौन सी यूज करना है, सहायक क्रिया है जो हैव यूज करना है, एकवचन के साथ है, बहुवचन के साथ हैव। उसके साथ साथ मुख्य क्रिया का आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। हमेशा का याद रखना है कि हमें कौन सी सेंटेंस मिल रहा है, अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर नहीं लगा हो तो निगेटिव, और क्या क्यों कब कैसे ये सारी चीज़ें यूज हो तो इंट्रोगेटिव। अगर दोनों यूज है क्या क्यों कैसे और नहीं भी यूज है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव, अगर कुछ भी नहीं यूज है तो अफर्मेटिव। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव आता है क्या से शुरू हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया रखेंगे, उसके बाद आपका कर्ता क्रिया जो भी होगा। अगर आपका क्या क्यों कब कैसे अगर बीच में आता है तो उससे भी पहले, सहायक क्रिया से भी पहले उसकी अंग्रेजी रख देंगे, तब सहायक क्रिया रखेंगे तब कर्ता लिखेंगे। याद रखना ये रूल हमेशा फॉलो करना, नाट को हमेशा मुख्य क्रिया से पहले लगाना, कभी भी भूल करके नहीं अंतिम लगाना। तो ये चीज़ था हमारा नियम, और इसको अब एक बार फिर से रिवीजन करके लगाइएगा। पिछली क्लास को जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। एक बार अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके आप एक बार कमेंट जरूर कर देना। अगर हो सके सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, मैं ऐसे ही वीडियो लेते रहा। तो इसका भी जो बैच है भी पूरा चलता रहेगा 60 दिन तक का, पूरा एक बार कंप्लीट कर लीजिए, आप ज्वाइन कर लीजिए। और स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको देख लीजिएगा। सभी प्लेलिस्ट है, किसी न किसी प्लेलिस्ट में आपको अपने मनपसंद वीडियो मिलेगी। मैं चलता हूँ संतोष कुमार पटेल, और फिर मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, सी यू।